अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही अच्छा घर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। तो गाइस, जैसे कि हम सब जान रहे हैं, आगे रमज़ान आ रही है, उसके बाद ईद आएगी, तो हम सब पहले अपने घर को सजाती हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा दिखे। या किसी भी फेस्टिवल में हर बहनें चाहती हैं कि मेरा घर अच्छा और खूबसूरत दिखे। तो गाइस, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इसमें देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र आपको मिल जाएंगे और आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, काफ़ी आसान भी है। मेरी बहनें जो क्राफ्ट करती हैं उनके लिए तो ये बेस्ट आइडियाज़ हैं। तो गाइस, आप अपने घर में ऐसे स्टोरेज बनवा सकते हैं या ख़ुद भी बना सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आपके काफ़ी काम आएंगे। आपका घर काफ़ी सिमटा हुआ भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और देखने वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इनमें से कोई आइडिया, किसी ये ऑर्गेनाइज़र कोई आप अपने घर में यूज़ करते हैं इस तरीके से, या आपको क्राफ्ट कितनी पसंद है। प्लीज़, आपके एक कमेंट से मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको कितनी पसंद आई। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए कि जो मेरी बहनें अपने घर को सजाने की शौकीन होती हैं, सेट रखना चाहती हैं, वो ऐसे आइडिया ढूंढती रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जैसे मैं खुद हूँ, मुझे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा कोई ऐसे आइडिया ढूंढती थी, ऐसी चीज़ें तो मैं वेस्ट में जाने नहीं देती थी, हटाती रहती थी उसे कि शायद ये कुछ काम आ जाए। तो जो भी क्राफ्ट लवर है उनके घर, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी डांट पड़ती है कि ये सामान फेंक क्यों नहीं देती। ऐसे ही मैं भी समेट कर रखती हूँ ताकि ये कोई काम आ जाए। और आप ऑर्गेनाइज़र देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक करिएगा।